नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पकवान गली में। मैं हूं ददन भाई और आज आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी डिश जिसे आप स्नैक्स में भी खा सकते हैं और मीठे में भी। इसका नाम है गुलगुले। तो आइए बनाते हैं गुलगुले। तो गुलगुले बनाने के लिए मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। इसमें काजू और बादाम है, छोटे टुकड़ों में काट लिया है और इन्हें रोस्ट करेंगे। तो पैन गर्म करने के लिए रख दिया है, थोड़ा सा घी डाला और ये काजू बादाम डालकर एक से दो मिनट रोस्ट करेंगे। मैं इन्हें रोस्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब गुलगुले में मैं इन्हें डालूंगा तो यदि कच्चे रहेंगे तो जब गुलगुले में आप खाते हैं तो कच्चापन उनका बरकरार रहता है, तो कच्चे नहीं लगे इस कारण मैं इन्हें हल्का सा रोस्ट कर ले रहा हूँ। तो ड्राई फ्रूट्स मैंने ये भून लिए हैं धीमी आँच पर 3 से 4 मिनट, और जब तक ये हो रहे हैं ठंडे मैं आँच पर ये तेल रख दे रहा हूँ, जब तक हमारा तेल भी गर्म होगा। और आगे करते हैं तैयारी इसकी। गुलगुले बनाने के लिए, इसका बैटर बनाने के लिए मैं ले रहा हूँ आटा। 1 कप आटा है 100 ग्राम। आटे में मैं डालूँगा 100 ग्राम तकरीबन चीनी है, और चीनी के बाद नारियल बूरा। नारियल बूरा चला गया, अब इस पर जाएंगे ये रोस्ट किए हुए काजू बादाम। काजू बादाम भी हो गए, अब जाएगा पानी। इसका जो बैटर है वो ज़्यादा पतला भी नहीं बनाना है और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए। बैटर इतना होना चाहिए कि हम जब तेल पे गुलगुले छोड़े तो आराम से ऊपर तलकर आ जाए। वो पानी डाला, हाथ से मिलाऊंगा। हमारा तेल गरम हो चुका है नहीं, इसे चेक करने के लिए मैं थोड़ा सा बैटर लेके और तेल में छोड़ रहा हूँ। अभी तेल गरम नहीं हुआ है। गरम तेल जैसे ही होगा, कुछ भी आप उस पर डालेंगे, जो बैटर डालेंगे वो नीचे जाएगा और तुरंत ऊपर आ जाएगा। तो समझिए कि आपका तेल पूरी तलने के लिए, गुलगुले बनाने के लिए या जो भी तलने वाली चीज़ें हैं उसे बनाने के लिए रेडी है। तो तेल रेडी है, छोड़ेंगे इसमें थोड़ा थोड़ा पोर्शन। तो गुलगुले बढ़िया तरीके से ये तल लिए मैंने, और इन्हें निकालते हैं प्लेट पर। तो गुलगुले बनकर बिल्कुल तैयार हैं। अगर आपको भी ऐसे ही शानदार, टेस्टी, लाजवाब गुलगुले घर पर बनाने हैं तो ये रेसिपी फॉलो कीजिए, और अगर आपको पसंद आए तो हमें लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए ददन भाई का सलाम।